यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 25। यिर्मयाह अध्याय 25। योशियाह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकिम के राज्य के चौथे वर्ष में, जो बाबुल के राजा नबूखदनेस्सर के राज्य का पहला वर्ष था, यहोवा का जो वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा वह यह है। सो यिर्मयाह नबी ने उसी वचन के अनुसार सब यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों से कहा कि अम्मोन के पुत्र यहूदा के राजा योशियाह के राज्य के 13वें वर्ष से लेकर आज के दिन तक, अर्थात 23 वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है, और मैं तो उसे बड़े यत्न के साथ तुमसे कहता आया हूं, परंतु तुमने उसे नहीं सुना। और यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दास भविष्यवक्ताओं को भी यह कहने को बड़े यत्न से भेजता आया है, परंतु तुमने न तो सुना और न कान लगाया है। वे ऐसा कहते आए हैं कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो। तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों और तुमको भी सदा के लिए दिया है, उस पर बसे रहने पाओगे, और दूसरे देवताओं के पीछे होकर उनकी उपासना और उनको दंडवत करो, और न अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रीस दिलाओ। तब मैं तुम्हारी कुछ हानि न करूंगा। यह सुनने पर भी तुमने मेरी नहीं मानी, वरन अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रीस दिलाते आए हो, जिससे तुम्हारी हानि ही हो रही है। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि तुमने जो मेरे वचन नहीं माने, इसलिए सुनो, मैं उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा और अपने दास बाबुल के राजा नबूखदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा, और उन सबों को इस देश और इसके निवासियों के विरुद्ध और इसके आसपास की सब जातियों के विरुद्ध भी ले जाऊंगा, और इन सब देशों का मैं सत्यानाश करके उन्हें ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इन्हें देखकर ताली बजाएंगे, वरन वे सदा उजाड़ ही रहेंगे। यहोवा की यही वाणी है। और मैं ऐसा करूंगा कि इनमें न तो हर्ष और न आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, और न दूल्हे व दुल्हन का और न चक्की का भी शब्द सुनाई पड़ेगा, और न इनमें दिया जलेगा, और सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा, और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बाबुल के राजा के अधीन रहेगी। और यहोवा की यह वाणी है कि जब 70 वर्ष बीत चुके, तब मैं बाबुल के राजा और उस जाति के लोगों और कस्तियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दंड दूंगा, और उस देश को सदा के लिए उजाड़ दूंगा, और मैं उस देश में अपने वे सब वचन जो मैंने उसके विषय में कहे हैं, और जितने वचन यिर्मयाह ने सारी जातियों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके पुस्तक में लिखे हैं, पूरी करूंगा, और बहुत सी जातियों के लोग और बड़े बड़े राजा उनसे भी अपनी सेवा कराएंगे, और मैं उनको उनकी करनी का फल भुगताऊंगा। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने मुझसे यो कहा कि मेरे हाथ से इस जलजलाहट के दाखमधु का कटोरा लेकर उन सब जातियों को पिला दे जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं, और वे पीकर उस तलवार के कारण जो मैं उनके बीच में चलाऊंगा लड़खड़ाएंगे और बावले हो जाएंगे। सो मैंने यहोवा के हाथ से वह कटोरा लेकर उन सब जातियों को पिला दिया जिनके पास यहोवा ने मुझे भेजा, अर्थात यरूशलेम और यहूदा के और नगरों के निवासियों को और उनके राजाओं और हकीमों को पिलाया, ताकि उनका देश उजाड़ हो जाए और लोग ताली बजाए और उसकी उपमा देकर शाप दिया करे, जैसा आजकल होता है, और मिस्र के राजा फिरौन और उसके कर्मचारियों, हाकिमों और सारी प्रजा को और सब दोगले मनुष्यों की जातियों को और उस देश के सब राजाओं को और पलिश्तियों के देश के सब राजाओं को और अश्कलोन, अज्जा और एक्रोन के और अश्दोद के बचे हुए लोगों को और एदोनियों, मुआबियों
और अम्मोनियों को और सारे के सारे राजाओं को और सिदोन के सब राजाओं को और समुद्र के पार के देशों के राजाओं को, फिर ददानियों, तेमाइयों और बुजियों को और जितने अपने गाल के बालों को मुंडा डालते हैं उन सबों को भी, और अरब के सब राजाओं को और जंगल में रहने वाले दोनले मनुष्य के सब राजाओं को और जिमरी, एलाम और मादई के सब राजाओं को और क्या निकट क्या दूर के उत्तर दिशा के सब राजाओं को एक संग पिलाया। निदान धरती भर पर रहने वाले जगत के राज्यों के सब लोगों को मैंने पिलाया और इन सब के पीछे शेषक के राजा को भी पीना पड़ेगा। तू उनसे यह कह कि सेनाओं का यहोवा जो इसराइल का परमेश्वर है यो कहता है कि पियो और मतवाले हो और छाट करो और गिर पड़ो और फिर कभी न उठो। यह उस तलवार के कारण से होगा जो मैं तुम्हारे बीच में चलाऊंगा, और यदि वे तेरे हाथ से यह कटोरा लेकर पीने से इनकार करे तो उनसे कहना सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि तुमको निश्चय पीना पड़ेगा। देखो जो नगर मेरा कहलाता है मैं पहले उसी में विपत्ति डालने लगूंगा, फिर क्या तुम लोग निर्दोष ठहर के बचोगे? तुम तो निर्दोष ठहर के न बचोगे, क्योंकि मैं पृथ्वी के सब रहने वालों पर तलवार चलाने पर हूं, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। इतनी बातें भविष्यवाणी की रीति पर उनसे कहकर यह भी कहना कि यहोवा ऊपर से गरजेगा और अपने उसी पवित्र धाम में से अपना शब्द सुनाएगा। वह अपनी चराई के स्थान के विरुद्ध जोर से गरजेगा, वह पृथ्वी के सारे निवासियों के विरुद्ध भी दाख लताड़ने वालों की नाई ललकारे, पृथ्वी की छोर से भी कोलाहल होगा, क्योंकि सब जातियों से यहोवा का मुकदमा है। सब मनुष्यों से वह वाद विवाद करेगा और दुष्टों को तलवार के वश में कर देगा। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि देखो विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से उठेगी। उस समय यहोवा के मारे हुओं की लोथे पृथ्वी की एक छोर से दूसरी छोर तक पड़ी रहेगी। उनके लिए कोई रोने पीटने वाला न होगा और न उनकी लोथों को बटोर जाएगा और न कब्रों में रखी जाएगी। वे भूमि के ऊपर खाद की नाई पड़ी रहेगी। हे चरवाहो हाय हाय करो और चिल्लाओ, हे बलवंत मेढो और बकरो राख में लोटो, क्योंकि तुम्हारे वध होने के दिन आ पहुंचे हैं और मैं मनभाऊ बर्तन की नाई तुम्हारा सत्यानाश करूंगा। उस समय न तो चरवाहों के भागने के लिए कोई स्थान रहेगा और न बलवंत मेंढे और बकरे भागने पाएंगे। चरवाहों की चिल्लाहट और बलवंत मेंढों और बकरों के मिमियाने का शब्द सुनाई पड़ता है, क्योंकि यहोवा उनकी चराई को नाश करेगा और यहोवा के क्रोध भड़कने के कारण शांति के स्थान नष्ट हो जाएंगे। युवा सिंह की नाई वह अपने मांद को छोड़कर निकलता है, क्योंकि अंधेर करनेहारी तलवार और उसके भड़के हुए प्रकोप के कारण उनका देश उजाड़ हो गया है।